हे गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ आपको एक्चुअली में रहना चाहिए. सो देयर आर, यू कैन से, फाइव काइंड्स ऑफ पीपल, सेवन काइंड्स ऑफ पीपल और पॉजिटिव पीपल जिनके साथ आपको हमेशा रहना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द पॉजिटिव माइंडसेट पीपल, मतलब जो जिनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रहता है, जिनका एटीट्यूड हमेशा सक्सेस की तरफ रहता है एंड यू हैव अ वेरी पॉजिटिव ऑरा और जो हमेशा अपने साथ एक पॉजिटिविटी को लेके चलते हैं. सो ऑलवेज बी विद सच काइंड ऑफ पीपल. सेकेंडली, यू शुड ऑलवेज बी विद द पीपल हु लाफ अलॉट, यू नो, LOL, लाफ आउट लाउड. तो ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहना चाहिए जो बहुत खुश मिजाज होते हैं, जो बहुत जॉली नेचर के होते हैं, जो बहुत जोक्स क्रैक करते हैं और जो बहुत खुशनुमा माहौल बना के चलते हैं. हमेशा ऐसे लोगों के साथ जरूर रहिए. थर्ड आर द काइंड ऑफ पीपल हु आर नॉट ओनली द मोटिवेटर्स, और जो खुद को भी मोटिवेट करते रहते हैं, जो आपको भी मोटिवेट करते हैं. हमेशा ऐसे लोगों के साथ भी रहिए जो हमेशा आपको आगे बढ़ाते हैं, जो हमेशा आपको अच्छे सजेशंस देते हैं, जो हमेशा आपको आगे लेके चलते हैं. फोर्थ काइंड ऑफ पीपल आर दोस्त हु ऑलवेज स्माइल अलॉट, यू नो. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, वो कभी भी हार नहीं मानते, ना वो अपने साथ वालों को हार मानने देते, वो हमेशा हंसते रहते हैं. हर ऑब्स्टिकल में उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होता है. खुद भी हंसना है और सामने वाले को भी हंसाते रहना है. एंड फिफ्थ टाइप ऑफ पीपल दैट विल बी द सोल्यूशन प्रोवाइडर्स और द बेस्ट कंसल्टेंट, यू नो. कंसल्टेंट इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल कंसल्टेंट, बट द पीपल जिनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, दोज हु आर वेरी वेरी मच रिच इन देयर माइंड पावर, यू नो. देन सिक्स काइंड ऑफ पीपल आर द स्पिरिचुअल पीपल. स्पिरिचुअल पीपल से है, मतलब यहाँ पे ये है कि आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं देना है जो ढोंगी हो या जो झूठा पूजा पाठ करते हैं. वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल हैं, जो एक्चुअल में गॉड से कनेक्टेड हैं, जो पॉजिटिवली जिन्होंने चीज़ों को अपने अंदर लेके आया है, जो हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा लेके चलते हैं, जो बहुत ज़्यादा यू नो इतने कनेक्टेड हैं एंड डाम हैं, डाउन टू अर्थ हैं. ऐसे लोगों से आपको हमेशा डील करना चाहिए. ऐसे लोगों के साथ हमेशा उठना बैठना चाहिए जो आपको हमेशा अच्छी बातें सिखाते हैं. हु स्पीक्स वर्ड ऑफ विजडम एंड ट्रूथ एंड यू हु टेक्स यू टू द गुड पाथ. ऐसे लोगों के साथ हमेशा आपको रहना चाहिए. एंड यू नो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द काम कंपोज्ड एंड वेरी पेशेंट पीपल. सो जो काम और कंपोज्ड होता है, वो अपने डिसीजंस भी अच्छे से लेता है, वो हर सॉल्यूशन उसके पास रहता है, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसके पास रहता है. आप जितना ज़्यादा काम रहोगे, जितना ज़्यादा कंपोज्ड रहोगे, जितना ज़्यादा पेशेंस रहेगा आपके पास, जितना ज़्यादा आप हम्बल होगे, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा स्टेबल, उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और उतनी ज़्यादा अच्छी होगी. आई होप यू लाइक दीज पॉइंट्स एंड check out in my slides also. So bye bye for now.